हाय गाइस, आई एम प्रथम शोकिन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ड्रैग रेस वीडियो। गाइस, आज हम अपनी स्कोडा ऑक्टाविया वीआरएस ट्यून्ड वीआरएस की करने जा रहे हैं ड्रैग रेस मर्सिडीज E350 के साथ, जो कि डीजल की गाड़ी है भाई। डीजल गाड़ी है, V6 इंजन के साथ ये आती है और भाई मस्त भागती है। सामने से एक बार मैं लुक दिखा देता हूँ, पीछे से थोड़ी ओल्ड शेप लगती है, सामने से न्यू शेप लगती है। तो सामने से दिखाते हैं, तो V6 इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। डीजल गाड़ी है, अराउंड 265 bhp एंड 620 nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी निकालती है। वहीं बात कर लें अपनी ट्यून्ड वीआरएस की, तो स्टॉक में ये निकालती थी 230 bhp, क्योंकि ये वीआरएस 230 है तो 230 bhp निकालती थी स्टॉक में। अब ये गाड़ी निकाल रही है स्टेज वन ऑटो प्रो का ऑटोसाइक हमने करवा रखा है, तो 300 bhp निकाल रही है। और टॉर्क की बात करें तो 460 nm ऑफ टॉर्क निकाल रही है। 2 लीटर TSI इंजन के साथ आती है, और इसका जो हमने गेयर बॉक्स कराया वो Stage 3 कराया है TVS इंजीनियरिंग का, वो भी हमने मोटरसाइकिल से ही कराया है। और एयर इंटेक इस गाड़ी में लगा हुआ है। तो ये अपनी VRS की ट्यून होने के बाद पहली ड्राइव रेस आ रही है, तो इस पर मेरे को दबा के शेयर चाहिए भाई, कमेंट करना ज़रूर और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो करते हैं इनकी ड्रैग स्टार्ट और देखते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी जीती, क्योंकि भाई इसने है ना 5 सीरीज़ को अपनी को बहुत गंदे तरीके से पेल दिया था। तो अब VRS से बदला लेंगे भाई इस गाड़ी से, देखते हैं VRS जीत पाए कि नहीं जीत पाए, क्योंकि V6 है और भाई मतलब रियर व्हील ड्राइव है ना, तो लॉन्च बहुत सही हो जाता है उसका। और अपनी VRS जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकी ड्रैग और देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतेगी। एक बार फिर से देख लो, वैसे कितनी बड़ी लग रही है ना VRS के सामने ही क्लास, बट अपने को पसंद भाई वही है VRS। सो गाइस, मैं आ गया हूँ VRS में, रोहन मेरे साथ है और भैया और प्रीत भाई बैठे हैं मर्सिडीज में भाई। तो इसको हम लॉन्च करेंगे, ट्रैक्शन ऑफ कर लेते हैं भाई, ट्रैक्शन ऑफ और एस में रखेंगे गाड़ी को और फुल पोटेंशियल में चलाएंगे गाड़ी को। तो मोड वैसे कोई नहीं आता उसमें, वैसे कुछ नहीं आता इसमें, डी से एस में कर सकते हैं यहीं से, इसको पीछे पुश करके एस। भैया भी फुल पोटेंशियल में चलाएंगे, मर्सिडीज भी अपना फुल पोटेंशियल में चलेगी ट्रैक्शन ऑफ करके, एसी ऑफ वगैरह सब कुछ करके। भाई इसके ब्रेक बहुत शानदार है। अरे ठीक है भाई, आसी में खासी हो जाएगा, आप पे डायलॉग है मान जाओ भाई। भाई व्हील स्पिन ना होता ना तो इनिशियल से पेल थी, बहुत तगड़ा पेला भाई, मस्त है। ₹50,000 वापिस दो, 50,000 की शर्त लगी थी भाई, 50 के 75 लूंगा। हिसाब किताब निपट गया, क्या करें अब, लॉन्च नहीं कर रहा मैं, ठीक है नॉर्मल उठाता हूँ, ये रोन कर देगा 1 2 3। चल भाई कर 1 2 3। 3 2 1। ये भाई है व्हील स्पिन, ही व्हील स्पिन फिर पकड़ ली, व्हील पकड़ लिया 120 में पकड़ लिया भाई, ड्रैग से पहले ही पकड़ लिया भाई। आ रहे नहीं यार, डाटा यो हाथ बहुत पीछे है भाई, 190-200 जब ही चढ़ जाती है अभी ये गाड़ी। कमाल है यार इस गाड़ी की यार, सही मजा। ये 2000 सीसी का इंजन, रोलिंग रेस करते हैं अब, रोलिंग में भी खा जाएगी, रोलिंग में भी खाएगी खाएगी उसका ही, क्योंकि मिड स्ट्रॉन्ग है ना। सो गाइस, 2 राउंड करे भाई हमने, रोलिंग रेस इसलिए नहीं करी क्योंकि भाई रोलिंग रेस में तो हराएगी रहेगी, व्हील स्पिन नहीं आएगा तो एकदम निकल जाएगी। तो 2 राउंड में ही पता चल गया भाई कि ई क्लास को ये हरा देती है, E350 V6 को हरा देती है अपनी ट्यून्ड VRS। तो यही थी भाई, लाइक कमेंट जरूर आना चाहिए वीडियो पे, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू गाइस।